हेलो फ्रेंड, हमारे इस टी न्यूज़ चैनल में सभी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की न्यूज़ जो आपके लिए लेकर आए हैं वह नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, हेडिंग है फ्लॉड। राजस्थान, महाराष्ट्र व गुजरात के 1 लाख निवेशकों से 500 करोड़ रुपए की ठगी की। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधकों पर 1 लाख लोगों को सदस्य बनाकर करीब 500 करोड़ रुपए ठगने का आरोप सिद्ध करती है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पूरी खबर क्या है। जागरण संवाददाता द्वारा जयपुर नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधकों पर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के 1 लाख लोगों का सदस्य बनाकर 500 करोड़ रुपए की ठगने का आरोप है। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज चैनल से दी जा रही है। इससे पहले आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के पदाधिकारियों का 28 राज्यों व 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों के निवेशकों को धोखा देकर 14,000 करोड़ रुपये ठगने का मामला सामने आया था। SOG ने इस मामले में 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। इस तरह किया गया घोटाला, जी हाँ दोस्तों, ये हेडिंग है। SOG के प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधकों के ने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में 150 से अधिक शाखाएं खोली और उनका मुखिया अपने खास लोगों को बनाया। सोसाइटी का मुख्य कार्यालय राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में खोला गया। सोसाइटी से पहले तो आकर्षण, वेतन और कमीशन का लालच देकर एजेंटों की भर्ती की। इसके बाद एजेंटों का माध्यम से 6 साल में मूल रकम का 2.5 गुना तक मुनाफा होने का झांसा देकर 3 राज्यों के करीब 1 लाख लोगों को वैभव लक्ष्मी योजना सहित 5 योजनाओं में करोड़ों रुपये का निवेश कराया और निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में उन्हें मुनाफा भी दिया गया, लेकिन फिर मुनाफे की राशि को सोसाइटी ने ही निवेश करा लिया। यहाँ दोस्तों, मुनाफा दिखाकर उस राशि को फिर वापस वही रिटर्न करा लिया। दोस्तों, कुछ इस तरह के फ्रॉड इन लोगों के सामने आए और 6 साल बाद निवेशकों को जब मुनाफे की राशि नहीं मिली तो फिर उन्होंने पहले शाखाओं के चक्कर लगाए, उसके बाद बाड़मेर स्थित मुख्यालय में आना जाना शुरू किया कर दिया। इसी बीच सोसाइटी के प्रबंधकों ने शाखा कार्यालय खोलने के बाद बाड़मेर स्थित मुख्य कार्यालय को बंद कर दिया। शिकायत मिलने पर SOG ने मामला दर्ज किया और SOG ने बाड़मेर स्थित मुख्यालय कार्यालय में छापा मारकर पिछले 6 साल ऑडिट रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों की जांच की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर 10 से ज्यादा कंपनियां बना ली थी। इसमें निवेशकों की राशि का निवेश दिखाकर गबन किया गया। ज्यादातर कंपनियों में सोसाइटी के चेयरमैन गिरधर सिंह सोडा या उनके रिश्तेदार और परिवार के सदस्य ही शामिल है। गिरधर सिंह सोडा बाड़मेर जिले का रहने वाला है। दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको इस टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे इस टी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे पास जो भी कोई रेडीमेड न्यूज़ अखबार की आए वो हम आप तक पहुंचाएं सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए US खान को दे इजाज़त।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।